हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन चिल्ड्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस्टरडे आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इट मीन्स दैट द सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हम ये समझेंगे या हम आपसे ये कहना चाहेंगे, ये रिक्वेस्ट है हमारी कि इस वीडियो को लाइक करिएगा और उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस पैंडमिक सिचुएशन में। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, ये वीडियो उन तक पहुँचे जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, और ये फ्री क्लासेस उनको मिलेगी तो उनका ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने क्लासमेट से, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फाइव, और देखिए आज हम लोग का टोटल सेवेंथ लेक्चर है। सेवेंथ लेक्चर में हम लोग ने सीख लिया है फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग सीख लेंगे फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कल हम बात कर लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आफ्टर देन दैट इन अवर नाइन्थ वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरोजन एंड द रेंसिडिटी। नाइन लेक्चर्स में आपका पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो इन अ वेरी सिंपलर वे, इतने आसान तरीके से हम लोग ने सब कुछ सीख लेंगे पहले चैप्टर के बारे में, जिसका केमिस्ट्री में वेटेज भी है क्लास टेंथ स्टैंडर्ड में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ गाइस, ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। ओके, नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक। अब सबसे पहले आज हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कल हम लोग ने क्या बात करी थी, बस यहाँ पे टर्म हमने कल समझा था, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड गाइस, टुडे वी अंडरस्टूड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमने समझा, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने किस बात की बात करी थी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और नया प्रोडक्ट, जो नया कंपाउंड बनता है, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द वर्ड डबल, अब हमने क्या कहा, केमिस्ट्री में हमेशा हम वर्ड को ब्रेक करके पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। अब यहाँ डबल लिखा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। कल एक लोग ने डिस्प्लेस किया था, आज दो लोग डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो जब दो लोग आपस में डिस्प्लेसमेंट करें और अपनी पोजिशन को चेंज करके नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, तो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उनको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। राइट गाइस, नाउ कम टू द फर्स्टली डिफिनेशन पार्ट। सबसे पहले हम डिफिनेशन की ही बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली सिंपली देखिए है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बारे में, किसके बारे में, डिफिनेशन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने आपसे क्या कहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे एक नहीं दो लोग अपनी प्लेस को एक्सचेंज करेंगे। तो दो लोग देखिए अपनी प्लेस को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स react together, they form a new compound by exchanging their ions. This type reaction is called as double displacement reaction. Right guys, now see what is the definition is
इन द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर, जब दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, वो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस। अब ये वर्ड हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, अभी हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाऊंगी। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट गाइस, इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ सी द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन इन टेकिंग द जनरल इक्वेशन इज, जनरल इक्वेशन में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन में हम लिख सकते हैं ए बी रिएक्ट विद सी डी, ठीक है, ए डी किससे, ए बी किससे रिएक्ट कर रहा है, सी डी से रिएक्शन कर रहा है, ए डी सी डी से रिएक्शन करेगा तो यहाँ आयंस का एक्सचेंज होगा एंड इट विल फॉर्म ए डी एंड बी सी। देखिए एक बन जाएगा ए डी एंड दूसरा बनेगा बी सी, तो देखिए यहाँ पे एक्सचेंज हुए आयंस के, आयंस का एक्सचेंज होगा, व्हाट वी कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इस टर्म को समझते हैं, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। अब आयंस के कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज करिए व्हेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल, एग्जांपल के बारे में सपोज करिए हम बात करते हैं, व्हेन बेरियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, बी ए सी एल टू, दिस इज द बेरियम क्लोराइड, व्हेन इट गेट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 is the formula of sulfuric acid, right guys? Now see, अब ये जो आपका sulfuric acid का formation हुआ है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कह रहे हैं ions का exchange हो रहा है, ions का exchange कैसे होगा? यहाँ पे देखिए हम करके दिखाते हैं, barium chloride, अब barium chloride कैसे breakdown होगा? Barium आपका 2+ में होता है और chloride आपका Cl- में होता है, ठीक है, यहाँ पर 2Cl था इसलिए हमने एक Cl पे सिंगल माइनस चार्ज होता है। आपको इतने डीप में नहीं कॉन्सेप्ट समझना है, आपको इतना समझना है कि वन स्पीशीज इज द कैटायनिक पार्ट एंड अनदर स्पीशीज इज द एनायनिक पार्ट, और व्हाट इज द कैटायन और एनायन, कैटायन मींस द स्पीशीज कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज, ऐसी कोई स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायनिक स्पीशीज कहते हैं, और ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको एनायनिक स्पीशीज कहते हैं, राइट, इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए कैसे ब्रेक डाउन करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक डाउन होता है H+ में, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस सल्फेट आयन में ब्रेक डाउन होता है, राइट right? अब यहाँ पे देखिए आपके इतने आयंस का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक का कैटायन है वो दूसरे के एनायन से फॉर्मेशन करेगा, मतलब बेरियम क्लोराइड सल्फेट से बन गया आयन का एक्सचेंज और हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कर लेगा, तो देखिए आयन का एक्सचेंज ही तो हुआ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट इज द, अब देखिए फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, राइट, अब जब दोनों 2-2 कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ सिंपली फॉर्मूला बना सकते हैं बेरियम सल्फेट का BaSO4, हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना फॉर्मूला मेकिंग कैसे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जब दोनों की स्पीशीज के चार्ज सेम होते हैं तो हम वहां से दोनों को कैंसिल कर देते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं BaSO4 एंड द नेक्स्ट इज द, अब देखिए हाइड्रोजन है क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोराइड है, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, राइट, देखिए अब आयंस का ही तो एक्सचेंज हो गया, हाइड्रोजन ने क्लोराइड ने किसकी प्लेस ले ली, क्लोराइड ने प्लेस ले ली सल्फेट की और सल्फेट ने प्लेस ले ली क्लोराइड की, और हम क्या कह सकते हैं, बेरियम ने प्लेस ले ली हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन ने प्लेस ले ली बेरियम की, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेरियम सल्फेट, राइट, ये आपका क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया एंड दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट के पास एक ऐसा एरो बना होता है और ये एरो रिप्रेजेंट करता है दिस इज द प्रेसिपिटेट, इन शॉर्ट दिस इज द प्रेसिपिटेट, अभी हम आपको वर्ड समझाते हैं कि ये प्रेसिपिटेट है क्या, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट क्या है, शॉर्ट में हम PPT लिखते हैं, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं इसको, PPT के वर्ड में यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, एक प्रोडक्ट बन गया बेरियम सल्फेट एंड द अनदर प्रोडक्ट इज द हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये हमने वर्ड प्रेसिपिटेट क्या लिखा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयन तो हुआ, हमें समझ में आ गया कि दो लोगों ने अपनी जगह को बदल लिया, दो लोग अपनी जगह को बदलेंगे तो हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। बट अब ये हमने जो नया वर्ड लिख दिया है प्रेसिपिटेशन, अब इसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में, प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, हम ये देखेंगे। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? नाउ कम टू दिस पार्ट। अब प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट में देखिए हम जनरल इक्वेशन ड्रॉप कर दे रहे हैं। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हम यहाँ से आपको सिखाएंगे कि प्रेसिपिटेट कैसे बना। अब ये आपका जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है, प्रेसिपिटेट देखिए व्हेन, इसको रख कर दे, व्हेन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन involving precipitate is called as precipitation reaction। देखिए जब double displacement में precipitate का formation होता है, precipitate means the insoluble compound formed when the two ions are exchanged, जब कोई भी दो आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और एक नया इनसॉल्युबल कंपाउंड जो बनता है, जो डिसॉल्व ना हो, हम उसको क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड है। तो जो डिसॉल्व नहीं होता है वो उसका फॉर्मेशन हो, और जो डिसॉल्व इनसॉल्युबल कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम इनसॉल्युबल कंपाउंड को प्रेसिपिटेट वर्ड यूज करते हैं। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। राइट गाइस, दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आप सबको समझ में आ गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। नाउ कम टू द अनदर, एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है वेयर एज व्हेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड By the base, this type double displacement reaction is called as neutralization reaction। Right guys? अब यहाँ पे देखिए हमने दो word और use करे हैं। हमने एक word use किया precipitation reaction का, दूसरा word use किया neutralization reaction का। ये जो दोनों रिएक्शंस होती हैं वो होती डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। यहाँ पे आयंस का ही एक्सचेंज होता है, तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो कब हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट बना, कब हम टर्म यूज करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। नाउ सी आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट हम ले रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, फर्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फर्स्ट हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करना है तो हमें कैसे, अभी मैंने जो आपको केमिकल रिएक्शन दिखाई थी वो भी एक क्या थी, वो भी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही थी, ठीक है। अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर हमने सपोज करिए नेक्स्ट रिएक्शन ले ली, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दें, एंड वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट। This silver nitrate will react with sodium chloride, and what is the formula of sodium chloride? The formula of sodium chloride is NaCl. अब देखिए NaCl बन गया। अब हमने आपसे क्या कहा? Exchange their ion. वो अपने ions को exchange करेंगे। अब nitrate हमारा minus होता है, chloride minus होता है। यहाँ sodium plus है, यहाँ silver plus है। तो क्या करेगा? Nitrate चला जाएगा chloride की place पे, और क्लोराइड आ जाएगा नाइट्रेट की प्लेस पे। और हम क्या कह सकते हैं कि सिल्वर आपका सोडियम की प्लेस पे जा सकता है और सोडियम आपका सिल्वर की प्लेस पे आ सकता है, तो आयंस का ही तो एक्सचेंज हुआ। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, अगर नाइट्रेट
क्लोराइड की प्लेस पे चला गया और क्लोराइड नाइट्रेट की प्लेस पे आ गया, तो हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, AgCl। अगेन AgCl इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये क्या है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है विच इज इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, जो इनसॉल्युबल होता है, जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PPT। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यहाँ पे सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज NaNO3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सिल्वर क्लोराइड, राइट गाइस, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम नाइट्रेट। देखिए एक है सोडियम, दूसरा है नाइट्रेट, तो हम सिंपली नाम लिख सकते हैं, दिस इज द सोडियम नाइट्रेट। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द सेकंड हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सेकंड हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ देखिए आयंस का एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही कंसीडर करते हैं। क्लियर हो रहा है सबको टॉपिक? नाउ कम टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए न्यूट्रलाइज मतलब ये होता है, न्यूट्रलाइज मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल मीन्स क्या हो गया, कि वो ना एसिडिक हो, ना उसका पीएच 7 से कम हो और ना ही उसका पीएच 7 से ज़्यादा हो, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल चीज़ कैसे बनेगी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, विच एसिड वी टेकन, वील टेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस, एंड विच टाइप ऑफ बेस आई एम टेकिंग, दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस। When both react together, it form salt and water. Again यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेक करिए कि क्या यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, डेफिनेटली हुई है। यहाँ पे देखिए H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक डाउन होता है, और सोडियम प्लस में और हाइड्रोक्साइड माइनस में ब्रेक डाउन होता है। अगेन क्लोराइड क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड की पोजीशन ले लेगा और हाइड्रोक्साइड क्लोराइड की पोजीशन ले लेगा, तभी यहाँ पे देखिए क्या बना, NaCl बना और वाटर बना। बट दिस NaCl इज नॉट द प्रेसिपिटेट, ये इंसॉल्युबल नहीं होता। क्या कभी आपने देखा है कि जो हम लोग के घर में टेबल सॉल्ट होते हैं, टेबल सॉल्ट कभी भी वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं? नो, आंसर इज नो, कभी भी ऐसा नहीं होता। जो सॉल्ट होते हैं दे ऑल आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, और ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होंगे। सो कम्प्लीटली सॉल्युबल अगर कोई सब्सटेंस बनता है और सॉल्ट और वाटर बनेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूट्रल सॉल्ट बना है, वहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना कि वो सॉल्युबल, वो जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल हो, यहाँ पे जो बना है ये सॉल्युबल है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। And both are the example of it means that the precipitation reaction as well as the neutralization reaction, both are the example of double displacement reaction. दोनों किसके example हैं? Double displacement reaction के example हैं। अब यहाँ पे देखिए हम name भी लिख लेते हैं compound का, this is the hydrochloric acid. What is the name of this compound? The name of this compound is sodium hydroxide, right? What is the name of this compound? The name of this compound is sodium chloride. Sodium chloride. And what is the name of this compound? This is the water. Is this clear to you all? तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम summarize कर दें तो summarize करने पे हमें ये पता चला कि double displacement reaction क्या है? Double displacement reactions are those reactions in which When the two compounds are react together, they form a new compound by exchanging their ions. अब हमें इस word का मतलब समझ में आ गया कि हमने क्यों कहा कि exchange करते हैं ion को, तो यहाँ पे हर जगह exchange ही तो हो रहा है। Is this clear to you all guys? अब इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, double displacement reaction. अब उसके अंदर क्या क्या आती है, देखिए ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है,
बट अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है बोर्ड में, वो थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए वो आपसे सिंपली नहीं पूछेंगे व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी, हमने तो डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, रेडॉक्स पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, कॉम्बिनेशन एज वेल एज डीकम्पोजिशन पढ़ा, पर प्रेसिपिटेशन तो कभी सुना ही नहीं। अब इसका आंसर कैसे दें, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रेसिपिटेट, व्हेन प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड ड्यूरिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। प्रेसिपिटेट क्या वर्ड हमने बताया, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल हो हम उसको प्रेसिपिटेट वर्ड कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल लिया, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इट फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर सॉरी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस सिल्वर क्लोराइड इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब अगर सपोज करिए कि आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। अभी चैप्टर थोड़े फिनिश हो जाएंगे तो हम लोग उसके कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे, देखेंगे कि बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कैसे आते हैं एग्जाम में और हमें इसे कैसे क्रैक करना होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आफ्टर दिन दैट एक चैप्टर फिनिश होता है, फिर हम आपको बताएंगे कि बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखिए क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, इट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या है आपका, दिस इज द बेस, और कह सकते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे भी आयंस का ही एक्सचेंज हुआ है, दो आयंस का एक्सचेंज हुआ है, दैट्स व्हाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन वर्ड हम कब यूज करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन वर्ड कब हम यूज करेंगे। सपोज करिए कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया गया कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट ही पूछ ली गई तो सिंपली आप आंसर दे सकते हैं, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया हमें सिंपल सा इतना सा आंसर देना है और इसके साथ आप कोई भी रिएक्शन लिख देंगे वो दोनों सही है, इट वेदर इट इज अ प्रेसिपिटेशन वेदर इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ही अगर आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं तो इसमें आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, दो एग्जाम्पल कहता है दो ले लीजिए, अभी मैंने आपको तीसरे एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे वो भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट ऐसा कभी एग्जाम में मत करिएगा कि अगर आपसे पूछा गया प्रेसिपिटेशन के लिए तो आपने क्या लिख दिया, एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल गिव सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। व्हाई इट इज नॉट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दिस इज ओनली बिकॉज दिस सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि बेटा ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमेशा वाटर में सॉल्युबल होता है, और जब कोई भी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा तो कभी भी वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं कहलाती। अगर वो वाटर में इनसॉल्युबल है या कह सकते हैं किसी भी चीज़ में जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट होगा वो हमेशा प्रेसिपिटेट होगा और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन कहेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमसे पूछा गया न्यूट्रलाइजेशन, हमने सोचा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ही, मैडम ने तो यही सिखाया था, तो हम काम करते हैं कि इस रिएक्शन को लिख दें, अगेन द आंसर इज रॉन्ग, फिर से गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता, इट मीन्स दैट इनसॉल्युबल कॉम्पोनेंट नहीं बनेगा, और अगर इनसॉल्युबल कॉम्पोनेंट नहीं बनता है तो इस न्यूट्रलाइजेशन में हम इसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते और प्रेसिपिटेशन में हम न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, बट ये दोनों एग्जाम्पल्स हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिख सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टूड, सबसे पहले काम करिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? नाउ ये आपका हो गया फोर्थ टॉपिक और द फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने बात कर ली. कल हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में. वो भी बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग ने चार पढ़ा इतने इजी वे में, वैसे ही हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. अब देखिए, सबसे पहला काम जो आपसे मेरी रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में मैंने की थी, ये रिक्वेस्ट मैं दोबारा से करना चाहूँगी, इस वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे, जितने आप कमेंट्स देंगे, ठीक है, उतना मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आपको मेरे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये वीडियो से आपको फ़ायदा होगा. आप क्लास 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई बहुत ईजिली कर सकते हैं. आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, आप कॉन्टिन्यू देखिए, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि हमने डिस्प्लेसमेंट देखा उसके बाद सीधे हमने लास्ट का टॉपिक देखा. आप हर एक टॉपिक देखिए, हर एक टॉपिक के एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, वीडियो एक एक बना रहे हैं. इज दिस क्लियर? एक वीडियो में हो सकता था, दिस इज नॉट अ वेरी टफ रिएक्शन, एक दिन में हम दो वीडियो भी सॉल्व, एक वीडियो में हम दो टाइप की रिएक्शन भी सॉल्व कर सकते थे, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. टाइम ज़्यादा लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यही सारे कॉन्सेप्ट अगर आगे काम आ जाएंगे. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है आपको, नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अगेन वहाँ पे ये टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. अब हमें यहाँ जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वहाँ हम आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाएंगे तो वो आपको इजिली समझ में आएगा. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इसलिए सबसे पहला काम, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन बच्चों को जो बच्चे पैंडेमिक सिचुएशन में कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे. ये वीडियो और बनाने का मेन पर्पस यही है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो बच्चा भी सफ़र ना करे पढ़ाई से. राइट गाइस? तो सबसे पहला काम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियोज़ डाले जाएँ आप तक ये वीडियोस तुरंत पहुँचें, ताकि आपकी पढ़ाई में ब्रेक ना हो. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय.